गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? अभी खेत का सब काम हो चुका है तो अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। घर जाने से पहले हम वो देखो बंडी में लेकर जा रहे ड्राम, क्योंकि उस खेत में आज मारना है फवारा। भाई आज का बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि आज ही 2 दिन हो गए फवारा नहीं मारा, तो आज का ही दिन बचाए नहीं तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। और सूरज देखो, 2 दिन सूरज ने मुंह नहीं दिखाया, आज तीसरा दिन आज दिखाए सूरज। तो फिलहाल तो जा रहे हैं हम उस खेत में। और एक काना देख लो, ऐसा दिख रहा है यहाँ का, क्यों तुम पता नहीं पीला पीला दिख रहा है। तो चलो जाते, और जाते जाते आपको गेहूँ भी दिखाएंगे। गेहूँ निकला है तो कैसा निकला है वो भी दिखाएंगे आपको। तो बने रहेगा इस व्लॉग में, बहुत मज़ा आएगा। आज तो दिन भर फवारे के ही काम है, लेकिन आपको एंटरटेन करते रहेंगे। चलो फिर जाते दोस्तों। हम तो आ चुके हैं अब जहाँ पर गेहूँ फेरा था उस खेत में। और देखो गेहूँ देखो कैसा निकला है, पता नहीं आपको क्लियर दिखेगा कि नहीं। भाई बिल्कुल गेहूँ के पीछे गेहूँ बरोबर निकला है, देखो। और ऐसा सिस्टमेटिक लग रहा है ना, मत पूछो भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो भाई सीधी लाइन। 2-3 दिन में आपको तो पूरा दिखा देंगे, क्योंकि 2-3 दिन में और बड़ा हो जाएगा ये, फिर तो क्लियर कट दिखेगा। तो ऐसा है, फिर ट्रैक्टर का बेरना भाई, ट्रैक्टर का होता है। हम हाथ से बेरते तो कभी छूट जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो बुझ जाता है, लेकिन ट्रैक्टर का भाई वो तो सिस्टमेटिक ही होगा। तो चलो अब जाते उस खेत में, वहाँ पर भी दिखाएंगे आपको। दोस्तों अब तो आ गए इस खेत में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उड़ना था पानी, लेकिन ऊपर से पानी आ गया। ये गेहूँ इतना इतना बड़ा है, खेत तो अभी लगभग पूरा मतलब ऐसा गेहूँ से झाग गया। और ये गेहूँ देखो, ये पहले का कांदा, दूसरा गेहूँ, तीसरा कांदा, फिर गेहूँ। तो चलो आपको वो भी दिखा दे डिटेल में कैसा है। यहाँ पर मारना था भाई फवारा, क्योंकि ये देखो कांदे से ज़्यादा तो गेहूँ हो गया यहाँ पर, इसलिए आज मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंसता है लेकिन आज कुछ भी करके मार देंगे, नहीं तो आज अगर नहीं मारेंगे तो ये गौत हमें मार देगा फिर, क्योंकि नींदने के लिए इतने पैसे लगते हैं ना उस खेत में। वो सादा कांदा नींदने के लिए, वो कांदा ज़्यादा तो नहीं है, तो उसको ही नींदने के लिए 3 दिन बाया लगे थे, 21 बाया लगे थे, मतलब 21। तो सोच सकते हैं आप, ये तो कांदा बहुत है, फिर इसको नींदने के लिए तो 100 के पार बाया लगेगा इसके। इसलिए आज फौरा मार देते, अच्छा सा चांगला डाट डूट फौरा मार देते, आज पूरा ख़त्म ही कर देते। ये देखो गवत कांदे से ज़्यादा पूरा गवत दिख रहा है यहाँ पर। भाई यहाँ आकर गेहूँ देखा तो गजब भाई गजब। ये देखो भाई क्या बोलूँ अब, गेहूँ देखो यहाँ का। भाई ऐसा है, गेहूँ कैसा निकला वो कमेंट में आप जरूर बताना। तो चलते हैं फिलहाल यहाँ से। कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तो दोस्तों अब तो आ चुके हैं इस खेत में, अब ड्राम वगैरह लाते यहाँ पर भरते और फिर मारते फौरन। ये देखो यार तन ही तन है। तो जो लास्ट दिन आज तन का ख़त्म कर देंगे आज तो। और अगर नहीं मरा तो देखेंगे 3-4 दिन में और एक फौरन घुमा देंगे, ताकि जो कमज़ोर है वो मर जाए। तो जाते ड्राम लाते हैं और फिर पानी भरेंगे उसमें चालू करके, और फिर काम शुरू कर दे अपना। चलो तू ही अपना पराया और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल,
फलक तक चल साथ में, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, मैं छुप जाए हम पल दो पल। ओ मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। दोस्तों पूरे खेत का फौरा हो चुका है भाई, 4:30 बज गए, तो अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि नहा धो के फिर काटोल जाना है और काटोल में से कुछ शॉपिंग करने, कुछ सामान लाना है, तो चलो जाते हैं। पूरा थक गए भाई पंप लेके लेके। ये पंप ने ले मारना ही नहीं हुआ, दूसरा मारना था कीटकनाशक का, लेकिन मारना ही नहीं हुआ, मतलब टाइम ही इतना हो गया, 4:30 बज गए अब, तो जाते हैं फिलहाल नहा धो के फिर काटोल जाना है। तो दोस्तों अभी तो हो चुके रात, बहुत लेट आ गए काटोल से, तो इस व्लॉग को ये एंड कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे यार ये हमेशा बोलता है काटोल में जाते, लेकिन काटोल का कुछ शूटिंग नहीं दिखा, क्या करूँ भाई, बहुत कम समय रहता है काटोल में, मतलब हमें शॉपिंग करने में जो भी सामान लाने जाते हैं ना, तो बहुत कम समय रहता है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ता है, तो इसलिए मोबाइल का निकालने का मतलब टाइम ही नहीं रहता, इसलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, जल्दी जल्दी सामान लेके वापस आना पड़ता है, क्योंकि आपको तो पता है रात में कितनी ठंड होती है, तो इसलिए कुछ दिखा नहीं पाते हम काटोल का। लेकिन जाएंगे एक दिन, स्पेशल जाएंगे काटोल में, पूरा आपको स्पेशल दिखाएंगे, नबीरा कॉलेज वगैरह, हमारा स्कूल, मैं जिस स्कूल में पढ़ा BRHS काटोल, वो भी दिखाएंगे आपको, एक दिन स्पेशल जाएंगे, तो उसका आप टेंशन मत लो। तो अभी तो सोने जाते हैं भाई, और हाँ कल जा रहे हम अलग जगह पर जा रहे घूमने के लिए, तो बने रहेगा कल का व्लॉग, तो भाई माहौल होने वाला है, तो अभी तो जल्दी जल्दी सोते हैं क्योंकि कल सुबह उठना है और जाना है। तो अगर आपको ये अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, और हाँ कल का व्लॉग मिस मत करना।